हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हम आपके सामने लाए हैं इंडिया टॉप सेलिंग ईवी कार्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेक्सॉन ईवी की। एंड आज हमारे साथ है इसका एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट। एंड इस वेरिएंट में आपको दो चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं, एक नॉर्मल चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग। जो नॉर्मल चार्जिंग ऑप्शन है उसकी जो प्राइस जाती है वो जाती है 17,49,000 एक्स शोरूम। एंड जो फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है उसकी प्राइस जाती है 17,99,000 एक्स शोरूम। तो जो आप प्राइस में डिफरेंस देख रहे हो वो इसके चार्जिंग ऑप्शंस की वजह से है। बात करें इस कार के पावर फिगर की, तो इस कार में आपको 143 एचपीएस की पावर मिलती है एंड 250 एनएम का टॉर्क। इस कार में आपको दो चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं, एक 3.3 किलोवाट का नॉर्मल चार्जिंग ऑप्शन और एक 7.2 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन। कंपनी इस कार में आपको 437 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है एंड रियल वर्ल्ड में भी ये कार आपको इतनी रेंज निकाल के दे देती है। सो गाइस, करते हैं अब इसका वॉक अराउंड रिव्यू स्टार्ट एंड देखते हैं कि कंपनी इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं कार की की से। कार में आपको अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट एक्सेस और लॉक के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आपको दो की ऑफर की जाती है। बात करें कार की फ्रंट प्रोफाइल की एंड स्पेशली बात करें कार के लाइटिंग सेटअप की, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेंगी, साथ में डे टाइम रनिंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है इन लाइट्स का। एंड बिकॉज इट्स अ ईवी कार, तो ये जो ब्लू स्ट्रिप्स आप देखने को मिल रहे हो जो पूरी एंड तक जा रही है, ये बताती है कि आप एक ईवी कार यूज कर रहे हो। इसके साथ ही आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स मिलेगी, सेंटर में टाटा का लोगो। रेडिएटर ग्रिल में भी आपको ट्रायरो पैटर्न देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ सिल्वर कलर की स्किट प्लेट भी इस कार में ऑफर की जाती है आपको। इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप भी देखने को मिलेंगे, ये हैलोजन बेस्ड फॉग लैंप है, साथ में ही आपको ब्लू कलर की कॉर्निश देखने को मिलेगी इसमें। सो कुछ ऐसा सा इसका फ्रंट लुक दिखता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है बिकॉज ईवी कार है, उससे रिलेटेड कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। बात की जाए कार की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में भी आपको ब्लू कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो एंड तक जाती है। बात करें कार के टायर सेक्शन की, तो इसमें आपको MRF के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं एंड जो अलॉय व्हील्स दे रखे हैं और डायमंड कट अलॉय व्हील्स किसके में आपको मिलते हैं, बहुत सोवर रखे गए हैं, ज़्यादा ओवर नहीं किया गया, काफ़ी अच्छे अलॉय व्हील लगते हैं इस कार में। इसके साथ ही आपको डोर पे छोटी सी ईवी की एक बैजिंग देखने को मिल जाती है एंड ओवरऑल कार का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से लगता है एंड साइड प्रोफाइल से भी कार काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मस्कुलर लगती है एंड मुझे नहीं लगता किसी को इस कार के साइड प्रोफाइल से कोई इशू है। बात करते हैं कार के टेल लैंप की, तो इस कार में आपको LED स्ट्रिप्स दी गई है जो कि आपका इंडिकेटर का भी काम करती है, प्लस स्पॉइलर आता है जो कि कार के लुक को काफ़ी अच्छा बना देता है रेयर से भी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ईवी की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी रेयर में एंड नेक्सॉन की बैजिंग बिल्कुल सेंटर में की गई है एंड साथ ही में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट्रॉन की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको इसी वेरिएंट में इस कार में डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, रियर वाइपर, शार्क फिन एंटीना, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। एंड बात करूँ सेंसर की, तो इस कार में आपको रेयर में 3 सेंसर दिए गए हैं गाइस। इसके साथ ही आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी सिल्वर कलर में, साथ ही साथ रिफ्लेक्टर में फिर से आपको ब्लू कलर की कॉर्निश देखने को मिलेगी। बात करते हैं कार के बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको इसका रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस कार में आपको 350 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। अच्छी बात है कि इस कार में आपको यहाँ पे एक बूट लैंप दिया गया है, साथ में एक हुक प्रोवाइड किया गया है एंड इसमें आपको एक स्पेयर टायर भी मिलता है, 16 इंच का भी सामान रखा गया है, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको। वैसे देखा जाए तो 350 लीटर का काफ़ी अच्छा बूट स्पेस ऑफर करती है ये कार। एंड अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। तो यार, सबसे अच्छी जो भी चीज़ लगती है ना, वो लगती है इसके वाइड एंगल ओपनिंग डोर, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड बात की जाए ड्यूल इंटीरियर इसमें दिया गया, सॉफ्ट टच यहाँ पे आपको मिलेगा, साथ ही सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे विंडोज़ के यहाँ पे। क्रोम में आपको यहाँ पे लीवर एक लॉक मिलेगा, यहाँ पे ओवरव्यू के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड यार, ये जो आप ये ब्लू एलिमेंट्स देख रहे हो ना, ये अलग से ही हाईलाइट हो रहा है कार पे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिकॉज ईवी कार है तो आपको क्लच की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो क्लच आपको नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल का फीचर आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। एंड अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कार अंदर से कैसी है एंड अंदर से कार का इंटीरियर कैसा है। तो चलते हैं कार के अंदर। तो आ गए हम अब कार के अंदर एंड ओवरऑल कार का इंटीरियर फर्स्ट लुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लगती है कार अंदर से। एंड इंटीरियर में आपको 3 कलर देखने को मिल जाएगा, ये ब्लूश का कलर है, ये ब्लैक है एंड बेज कलर यूज़ किया गया, 3 कलर्स मिलते हैं। कूल ग्लव बॉक्स आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा, मोबाइल होल्डर, टैबलेट होल्डर के लिए अलग से जगह दी गई है एंड काफ़ी स्पेस है ग्लव बॉक्स में भी, तो आपका सामान ईजिली आप इसमें कैरी कर सकते हो। यहाँ पे AC वेंट में भी ब्लू कलर की आपको स्ट्रिप्स देखने को मिल जाएगी, इन AC वेंट्स का फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल में आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिक AC आपको इस वेरिएंट में मिलेगा और उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बूट एंड लॉक वगैरह के कंट्रोल्स, चार्जिंग के कंट्रोल्स। साथ ही आपको इस कार में आपको 12 वॉट का सॉकेट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको डायल देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप अपने मोड सेलेक्ट कर सकते हो, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड। इसके नीचे ही आपको कुछ बटन देखने को मिल जाएंगे, ऑटो होल्ड से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड एंड चार्जिंग से रिलेटेड।
एंड इसके नीचे ही आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड यहीं पे आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। हैंडरेस्ट का स्टोरेज भी काफी सफिशियंट है, तो छोटा मोटा सामान इसमें कैरी कर सकते हो। कार की सीट्स काफी कंफर्टेबल है, पूरा सपोर्ट मिलता है आप जब बैठते हो कार पे, एंड कार इन सीट्स की कुशनिंग भी काफी अच्छी की गई है गाइस, काफी कंफर्टेबल सीट्स है इस कार। 7 इंच का हर्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस कार में मिलेगा। एंड बात करूं इसके स्टेयरिंग की, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड बहुत ही अच्छी स्टिचिंग क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इसके स्टेयरिंग रैप पे। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, हॉर्न की प्लेसमेंट प्लस क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बात करें कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसमें आपको फुली डिजिटल नहीं मिलता, स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलेगा, प्लस जो बाकी ऑडोमीटर MID है वो आपको डिजिटल में मिल जाएगी। कार से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके MID भी देखने को मिल जाएगी। IRVM इसमें आपको मैनुअल दिए गए हैं। ड्राइवर साइड पे आपको इसमें कार्ड होल्डर देखने को मिल जाएगा एंड अच्छी बात है यार कि इस कार में LED कैबिन लैंप दिया गया है। इसी के साथ एक सनग्लास होल्डर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। को पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी देखने को मिल जाएगी बट कोई लाइट नहीं दी गई है। एंड ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे इस कार में आपको 3, ड्राइवर साइड कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। ओवरऑल इंटीरियर आपका नॉर्मल नेक्सॉन जैसा ही है, EV में इंटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं कार के अंदर जो कि बताते हैं कि आप किसी EV कार में बैठे हो। इसके अलावा इंटीरियर वाइज कुछ ज़्यादा ऐसे चेंजेस नहीं किए गए, बट हो सकता है जैसे कि वी ऑल नो कि नेक्सॉन का इस साल फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, तो हो सकता है इसके EV वेरियंट में भी कुछ चेंजेस किए जाए एक्सटीरियर और इंटीरियर से रिलेटेड। चलते हैं कार के बाहर और डिस्कस करते हैं कुछ इस कार के बारे में। तो गाइस अगर आप भी कोई अपने लिए EV कार ढूंढ रहे हैं और आप भी चाहते हैं कोई रिलायबल कार, तो ये कार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। वारंटी की बात की जाए तो इस कार में आपको 3 साल की वारंटी प्लस 1,30,000 किलोमीटर जो दोनों में से पहले हो जाए। एंड बैटरी वारंटी की अगर मैं बात करूँ तो इस कार में आपको 8 साल की बैटरी वारंटी मिलती है गाइस। तो अगर आप भी कोई मिड सेगमेंट में एक अच्छी EV कार अपने लिए ढूंढ रहे हो तो ये कार आपके लिए एक बेस्ट कार हो सकती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।